अगर आप भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जरूरत होगी वो है आपकी कड़ी मेहनत, आपकी दौड़, आपका चेस्ट, आपकी बीम, ये सब मजबूत होनी चाहिए। किसी दलाल की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी को जय हिंद, जय भारत। और आपको ये चीज बहुत कड़वी लगने वाली है, लेकिन सच्चाई यही है। कहने का मतलब ये है कि वीडियो आप चाहे कहीं के भी देखते हो, मैं पहले से भी आपको सटीक जानकारी दे रहा था और फिर बता रहा हूँ एक बार कि भर्तियां आ रही है। कुछ लोग 150 रुपए के चक्कर में अपना पूरा जो फ्यूचर है वो खराब कर बैठोगे। तो सीधी सी बात है, आपको एक चीज बता देता हूँ, आप भाग दौड़ के वही चीज, वही डर्रा, हमारी भर्ती सितंबर में, हमारी भर्ती जुलाई में, हमारी भर्ती अगस्त में है, हमें बुला लीजिए, हमें ये कर दीजिए, हमें वो कर दीजिए। पहली बात तो ये कि आप अगर डिफेंस कॉल करते हैं तो सुबह 8 बजे बाद में और रात को 8 बजे तक कॉल कीजिए। 10-10 बजे तक आप सुबह 5 बजे फोन कर देते हो तो ये जायज नहीं है। अब बात करते हैं कि हिंदुस्तान में हर एक चीज बंद है कोरोना के कारण, हर चीज पे पाबंदी है, लेकिन ये भर्तियां क्यों आ रही है? ऐसी कौन सी बात होगी कि भर्तियां आ रही है? अब आप वीडियो कहीं का देखते हो, फोन कहीं और लगाते हो। पहली बात तो ये, जिस चैनल का आप वीडियो देखते हो, जिस एकेडमी का आप वीडियो देखते हो, उस पर्सन को फोन करके परेशान कीजिए। अब जैसे आज जो भर्ती आई है वो है सेना भर्ती कार्यालय कोटा, यानी कि ARO कोटा की भर्ती आई। ये चीज हर एक, चाहे यूपी, MP, गुजरात, जम्मू, कर्नाटक, कन्नड़, कहीं के भी आप हों, आप सब पे ये चीज लागू होती है। इसे मजाक में लोगे तो महंगा पड़ जाएगा। आज की भर्ती जो है उसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो, और आपको एक चीज बता देता हूँ, भर्ती में लिखा हुआ है, सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगा और आपको बार बार परेशान होकर किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। आर्मी भर्ती रैली पात्र अभ्यर्थियों के लिए, अजमेर, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले के पात्र अभ्यर्थियों के लिए सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक टेक्निकल, सैनिक क्लर्क, SKT, SKT में 3 पद होते हैं, जैसे आपके लिपिक हो गया, इन्वेंट्री हो गया, SKT है ही क्लर्क में, और सैनिक ट्रेडमैन, इसमें 10वीं और 8वीं की जो मार्कशीट है दोनों चलती है, लेकिन आजकल नया नियम है, दोनों में 33% आपके होने आवश्यक है। 17 सितंबर से 31 मार्च 2021 के बीच होगी, यानी कि 17 सितंबर से लेके और 31 मार्च 2021 का जो पीरियड है उसमें कभी भी इन जिलों की भर्ती हो सकती है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है, कोविड महामारी की गंभीरता को देखते हुए भर्ती की सही तारीख और जगह बाद में बताई जाएगी। आगे आप देखिए, ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है और यह 18 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक खुला रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर बाद में अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ तो आप हाई तोबा करोगे कि हमारी एज हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, आज से मैंने 10 से 15 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि आप चाहे 25 की उम्र में हो, 26 की उम्र में हो, आप चाहे 30 साल के बूढ़े हो गए हो, लेकिन अगर 18 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक रजिस्ट्रेशन खुला है, इसमें 150 रुपए को मध्य को अपना जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, आपकी जो भर्ती है वो आपकी 30 साल की उम्र में भी हुई तो आपको जरूर बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 30 साल के होंगे तभी होगी, 2021 में जरूर इस महामारी का कोई तोड़ मिलेगा, सारे वैज्ञानिक जो हैं वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात इसमें जो है और रह जाती है, प्रवेश पत्र आपकी ईमेल पर रैली से 15 दिन पहले भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब है कोई माई का लाल आपको नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट भर्ती कब होगी। अब मेरा कहने का, इससे आगे मैं आपको भर्ती के बारे में कुछ बताने वाला नहीं हूं। अगर आप एलिजिबल हैं राजस्थान से, राजस्थान के जिलों के लिए भर्तियां 8 जिले हैं उनके लिए, तो आप जाइए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगर आप नहीं करवा पाते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है, आप एज आउट हो गए तो भर्ती नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो कोई मायका लाल आपको भर्ती देखने से नहीं रोक पाएगा, और ये 100% सत्य है। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जब तक एकेडमियां ओपन नहीं होती है, जिनका जो प्रोसेस है वो चल रहा है, तब तक आप जो है मॉर्निंग में एक टाइम रनिंग करने जरूर जाएं। 1600 मीटर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर आप हर रोज रेगुलर तरीके से 2 किलोमीटर का आप घर पे टाइम देखें, यह बहुत जरूरी है। अपने डिप्स, अपना चेस्ट आप बराबर रखें, अपनी बीम बराबर रखें, अपनी रेस बराबर रखें। आपकी भर्ती का इस बार सिर्फ 15 दिन पहले ही पता लगेगा, ना न्यूज़पेपर में आने वाली है,
ना आपको कोई कॉल करके बताएगा। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक इस नंबर पे जो है कॉल करके पूरी डिटेल आप ले सकते हैं। यहाँ का प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। गाली जो है वो और लट इस डिफेंस का नियम है, तो ऐसे व्यक्ति जो मेहनत नहीं कर सकते वो कॉल करने की भी कोशिश ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप कल तुरंत जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जो लोग बरगलाते हैं कि ये हो जाएगा भर्ती कल होगी परसों होगी, नहीं होगी भैया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर से पहले कोई 1% भी चांस नहीं है कि आपकी जो है भर्ती होगी, क्योंकि अगर वैक्सीन कल भी बन जाती है तो 3 से 4 महीने जो है वैक्सीन के इतनी सारी मात्रा में वैक्सीन बनना, हर एक व्यक्ति के बॉडी में इंजेक्ट करना बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो नवंबर दिसंबर से पहले कोई वैकेंसी नहीं होगी। आप इतने उतावले या बावले होके मत भागिए, और कोई मन में शंका हो तो बिल्कुल आप कॉल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। जय हिंद जय भारत। वीर फौजी डिफेंस अकेडमी की ओर से आप सभी के परिवार को महादेव से दुआ करते हैं कि सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद।